Good morning, my dear children. How are you all? Hope you all are fine. So, children, tell me which season is going on? Tell me, jaldi batao. Yes, rainy season is going on. So, children, कुछ दिन पहले मैम ने आपको रेनी सीजन में जो क्रीचर्स दिखाई देते हैं उनके बारे में बताया था. आपको याद है कौन कौन से एनिमल्स दिखाई देते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन? यस, स्नेल. और मुझे याद नहीं आ रहा है. और बताओ, स्नेल के अलावा स्नेक जो बहुत क्या होता है, डेंजरस होता है ना? और बताओ क्या दिखाई देता है? जो फार्मर का क्या होता है, फ्रेंड, कौन है? यस, अर्थवर्म. और एक और एनिमल दिखाई देता है, व्हाट इज दिस? फ्रॉग. सो चिल्ड्रन, टुडे इन ईवीएस वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी और वो एक्टिविटी है पेपर फ्रॉग. पेपर से हम क्या बनाएंगे? फ्रॉग बनाएंगे. आर यू रेडी? राइट चिल्ड्रन, फॉर पेपर फ्रॉग वी नीड पेपर. आपके पास ये ओरिगेमी सीट है ना, इससे हम क्या बनाएंगे? पेपर फ्रॉग. और उसकी आईज के लिए आपके पास गुगली आई. अगर गुगली आई नहीं है, इट्स ओके, तो हम मार्कर के हेल्प से हम क्या करेंगे, उसकी आईज बनाएंगे. देखो, मैम ने एक पिंक और येलो कलर का ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. पिंक में मैम ने गुगली आई लगाई है और गुगली आई नहीं है तो मैम ने यहाँ पे मार्कर से बनाया है. चलो अब स्टार्ट करें. ग्रीन पेपर लीजिएगा. फ्रॉग कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का है ना, तो हम अभी ग्रीन कलर का फ्रॉग बनाएंगे, है ना. फ्रॉग कैसे कलर का होता है? ग्रीन. तो देखो यहाँ पे कितने एंड पॉइंट है, 1 2 3 4 कोना. कितना कोना है? 1 2 3 4. तो पहले यहाँ से हम ये जो ग्रीन पार्ट है उसे यहाँ से इस कोने पर हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और यहाँ फिंगर्स के हेल्प से इसको इस तरह से प्रेस कर दीजिए. ओके, फिर ओपन किया, फिर दोबारा. अब ये ऐसे लाइन बन गई ना, फिर हम फिर दोबारा ऐसे लेंगे, फिर अब यहाँ से यहाँ दोबारा ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट साइड से और यहाँ फिंगर के हेल्प से इसको यहाँ पे हमने प्रेस कर दिया. ठीक है, एक टू लाइंस बन गए ना, स्लैंटिंग लाइन है ना. फिर अब हम स्ट्रेट लिखेंगे, रखेंगे स्क्वायर शेप में रखेंगे. अब ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ पे. तो इस तरह से हमने क्या किया, ज्वाइन किया और प्रेस किया. ठीक है, ये ऐसे हो गया. अब फिर नेक्स्ट साइड से फिर दोबारा हमने इसको इस तरह से ज्वाइन किया. ओके, और याद रखना फिंगर के हेल्प से उसको इस तरह से प्रेस करना भूलना नहीं. ठीक है, अब हमने ओपन किया. ठीक है, तो शीट को इस तरह से ना लेकर इस तरह से डायमंड शेप साइड से लेकर आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे करके पकड़ोगे और ये इस तरह से आप करोगे तो ये देखो ये इधर से भी हो आएगा. ठीक है, देख रहे हो आप, 1 2 3 4 इस तरह से आप करोगे इस तरह से तो ये यहाँ पे इसको इस तरह से प्रेस कर दोगे. ओके, ठीक है. अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है बेटा, रिपीट करके देखना. अदरवाइज मम्मी पापा से या आपके भाई बहन, जो बड़े भाई बहन हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो. ओके, देखो ऐसे बन गया ना हमारा. फिर उसके बाद इस एंड पॉइंट से आप यहाँ पे आओगे. ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखा और ये एरिया इस तरह से फिंगर के हेल्प से इसको दोबारा प्रेस किया. अंडरस्टूड? ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये इधर आएगा और दोबारा हमने उसी एरिया को, ये ऐसे है ना, हमने पहले क्या किया, ऐसे यहाँ तक फोल्ड किया, फिर ओपन किया, फिर इस साइड लिया, राइट टू लेफ्ट गए, फिर उसको दोबारा वो एरिया फोल्ड किया. ओके, अब इसको दोबारा अपने साइड में रख दिया. ठीक है,
सिमिलरली ये वाला साइड आप यहाँ पे इस तरह से इस कोने को यहाँ पे टच करोगे और यहाँ फिंगर के हेल्प से इसको प्रेस करोगे। ओके, फिर ओपन किया, अब ये इस साइड लेके आए, यहाँ ऐसे किया, फिर इसको ओपन किया, इस साइड लेके आए, फिर उसके बाद दोबारा इसको ऐसे यहाँ पे प्रेस किया। ओके, अब ये देखो ये ओपन कर दिया हमने। ओके, समझ में आया। अब हम बैक साइड करेंगे, ठीक है। बैक साइड में अब दोबारा 1-2 पार्ट है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, इस कोने से ये जो बीच में लाइन बनी है यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे हमने प्रेस किया, राइट। और फिर उसके बाद इस लाइन से ये वाला एरिया यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ से ये जो एंड पॉइंट है इस एरिया से यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर इसको इस तरह से नेल्स के हेल्प से प्रेस कर दिया, राइट। सिमिलरली दूसरे साइड भी आप यहाँ लेके नहीं जाओगे, ये जो लाइन है ना दिख रही है वहाँ तक ऐसे करके प्रेस करोगे। ओके, फिर हम फिर इस एरिया को और इस एरिया को इस तरह से हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से प्रेस करेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, फ्रॉग। अब इसकी हम आईज बनाएंगे, ठीक है। या तो आप गूगली आई यूज़ कर सकते हो, जैसे मामने यहाँ पे यूज़ किया है, देखो फ्रॉग है ना, या आपके पास अगर गूगली आई नहीं है, मार्कर के हेल्प से हम उसकी आईज बना देंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से उसकी आईज यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके चिल्ड्रेन, राइट। सो चिल्ड्रेन, एंजॉय दिस एक्टिविटी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू चिल्ड्रेन।